नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों मैं आज बीएड सेकंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। आपका एक पेपर है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, उसमें आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑन नॉलेज जनरेशन, ज्ञान पीढ़ी पर कालानुक्रमिक समीक्षा। यानी कि इस टॉपिक में आपको क्या बताया गया कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो उसकी कितनी जनरेशन है और किस तरह से वो डेवलप हुई है। पुराने समय में जब तक कि लिखने का विकास भी नहीं हुआ था, जब ओरली हम नॉलेज को ट्रांसफर करते थे एक दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, तब से लेकर उस युग से लेकर उस जनरेशन से लेकर आज के जनरेशन तक किस तरह से नॉलेज डेवलप हुई है, उसके बारे में इस टॉपिक में हमें बताना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पेपर की जितने भी वीडियोस हमने अभी तक अपलोड की हुई है, 90% इसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सभी वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम पेपर पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको इस पेपर की सारी वीडियोस टॉपिक वाइज लाइन वाइज मिल जाएंगी। तो देखते हैं क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑन नॉलेज जनरेशन, ज्ञान की पीढ़ी पर कालानुक्रमिक समीक्षा। देखिए दोस्तों, नॉलेज हैज कंप्लीटेड अ लॉन्ग जर्नी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम प्री लिटरेसी और ओरल टू प्रिंट एंड अल्टीमेटली टू डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन और आइस एज, दैट इज एज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। मतलब जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसने एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जर्नी को कम्प्लीट किया है, डेवलपमेंट की विकास की एक बहुत लंबी यात्रा को कम्प्लीट किया है। कहाँ से कहाँ तक? प्री लिटरेसी से लेकर, जब तक कि लिखने का विकास ही नहीं हुआ था, लिखना ही नहीं आता था किसी को, यानी कि ओरल के टाइम से, जब व्यक्ति सिर्फ मौखिक रूप से बोलना बोलना जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो तब ओरल ही व्यक्ति जो है आपस में बातचीत करते थे, नॉलेज को ट्रांसफर करते थे। उस टाइम से लेकर और आज के टाइम तक के बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी को जो है कवर किया है, कंप्लीट किया है। कैसे कैसे? 4 जनरेशन यहाँ पर आपके नॉलेज की आती है। कौन कौन से? सबसे पहले आती है नॉलेज जनरेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन इन द एज ऑफ ओरल एंड प्री राइटिंग। नॉलेज का स्टोरेज करना, ठीक है, यानी कि ज्ञान को सृजन करना, उनका भंडारण करना और उनको ट्रांसमिशन करना, संचरण करना, इन द एज ऑफ ओरल एंड प्री राइटिंग, यानी कि लिखने से पहले की जो एज थी, यानी कि जो मौखिक रूप से एज थी, उस समय नॉलेज का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता था, किस तरह से स्टोरेज होता था नॉलेज को। फिर सेकेंड एज है एज ऑफ राइटिंग, यानी कि जब लिखने का विकास हो चुका था, लिखने का राइटिंग का डेवलपमेंट हो चुका था, उसके बाद किस तरह से नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता था। इसके बाद है एज ऑफ प्रिंट, यानी कि जब प्रिंटिंग का एज आ गया, प्रिंटिंग का युग आ गया, तब हम नॉलेज को प्रिंट करने लगे बुकों के रूप में, ठीक है, ग्रंथों के रूप में जब वो प्रिंट होने लगी, उसके बाद किस तरह से नॉलेज का ट्रांसफ़र होने लगा। और लास्ट में आपका आता है आइस एज। आइस का मतलब है, आई से है इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड ई फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि आज की एज को हम आइस एज कहते हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट की एज मानी जाती है। अब इन चारों एज के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है? पहली एज है आपकी एज ऑफ ओरल और प्री राइटिंग, पूर्व लेखन अर्थात मौखिक युग। इसमें क्या होता था, लिखने का तो डेवलपमेंट था ही नहीं, ठीक है, लिखना तो किसी को आता नहीं था। जब भी किसी को नॉलेज कोई ट्रांसफ़र करनी होती, किसी को किसी से बात करनी होती थी, एक नॉलेज दूसरे से देनी होती थी, तो वो व्यक्ति ओरली मौखिक रूप से ही दे सकता था, ठीक है। अब मौखिक रूप से जब एक दो व्यक्ति आमने सामने होंगे, सिर्फ तभी दे पाएंगे, ठीक है, कोई व्यक्ति दूर है तब उसको नहीं दे पाते थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओरली फेस टू फेस ही दे पाते थे उस टाइम पर। उस टाइम पर फोन्स वगैरह कुछ नहीं थे, ठीक है, और जब फेस टू फेस कोई व्यक्ति है तो ही वो नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाते थे। अकॉर्डिंग टू एच विल्डर एंड एस पी फेरिस, एज ऑफ प्री राइटिंग वॉज एस्टिमेटेड बिटवीन 1 मिलियन ऑफ ईयर्स टू 2 मिलियन एज, ठीक है। नॉलेज एट दिस एज वॉज कम्युनिकेटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर और फ्रॉम 1 ग्रुप टू अनदर ग्रुप ओरली एंड बाय यूजिंग जेस्चर। इस युग में नॉलेज का ट्रांसफ़र कैसे होता था? या तो बोलकर होता था मौखिक रूप से, किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ओरली बोलकर होता था, या फिर जेस्चर के द्वारा इशारों में नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता था। लिमिटेड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संचार करने के लिए, ज्ञान का वितरण करने के लिए एक सीमित एरिया होता था। आप एक बात लेके चलिए, एक आइडिया, आप एक पर्सन है सिंगल, आपके पास नेट नहीं है, ठीक है, आप लिखना नहीं जानते हैं,
आप कोई बुक वगैरह का कोई टाइम नहीं है, तो आप अपनी नॉलेज को, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पास क्या नॉलेज है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी दूसरे व्यक्ति को कहाँ तक बता पाएंगे? सिर्फ आप अपने सर्कल में बता लेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स में बता लेंगे, आपके आसपास के जो लोग होंगे उनको बता लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप किसी दूसरे शहर के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। जो संचरण का जो क्षेत्र होता था, जो वितरण का जो क्षेत्र होता था, वो बहुत ही ज़्यादा सीमित था। लिमिटेड नंबर ऑफ कम्युनिकेट एट दैट टाइम, एक समय में संचार की सीमित बहुत ज़्यादा लिमिटेड नंबर्स थे। चांस ऑफ एरर इन कम्युनिकेटिंग प्रोसेस ड्यू टू इम्प्रॉपर लिसनिंग और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, एरर के बहुत ज़्यादा चांस थे। मान लीजिए मैंने आपको कुछ कहा, ठीक है, आपने सुना, आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहेंगे। अब मैंने तो जो कहा, आप हो सकता है आपको गलत सुना हो, या हो सकता है आपको आगे जाकर कम याद रहे, या आप अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड कर दे, जो दूसरे व्यक्ति को आप बताएंगे उसमें एरर रहेगा कहीं ना कहीं। आप डिटो सेम चीज़ तो नहीं बता पाएंगे ना जो मैंने आपको बताया है। जैसे एक फनी एग्जांपल है लेकिन एक फैक्ट है, अगर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई करता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति उसकी चार बनाकर, एक बात को चार बनाकर तीसरे व्यक्ति को बताता है। सेम टू सेम बात तो नहीं बताएगा ना वो कि क्या बात हुई एग्जैक्टली, वो उस बात में और मिर्च मसाला लगाकर, एक की तीन लगाकर ही तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को और ज़्यादा बातें बनाकर बताएगा। तो जो एक व्यक्ति से, जो पहले व्यक्ति से बात चली थी, उसका कुछ का कुछ बनकर जाता था। तो यहाँ पर एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड, सही तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी किसी भी इंफॉर्मेशन को, और रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाए। वेरीफाइबिलिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की पुष्टि की कमी थी। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ साउंड, दैट इन्फॉर्मेशन वॉज टेम्प्रेरी, मोमेंट्री, शॉर्ट लिव्ड एंड ट्रांजिटरी। कोई भी नॉलेज होती तो बहुत कम समय जीवित रहती थी। मेरे पास कोई नॉलेज मिली, ठीक है, मैं कितने समय तक ज़्यादातर याद रख पाऊँगी और कितने लोगों तक पहुँचा पाऊँगी? तो जो नॉलेज होती थी वो शॉर्ट लिव्ड होती थी, ठीक है, जल्दी लोग भूल जाते थे, टेम्प्रेरी होती थी। इन्फॉर्मेशन वॉज रिक्वायर्ड टू मेमोराइज, इन्फॉर्मेशन को ज़रूरी था कि इन्फॉर्मेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकें। और एक व्यक्ति के लिए किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद रखना कितने समय तक पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉब्लम इन रिविजन ऑफ द कंटेंट एट दिस स्टेज, उस समय में किसी भी रिविजन को, किसी भी फैक्ट्स को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। डिस्टर्बेंस एंड नॉइज बैरियर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज बैरियर होता था, ठीक है, आवाज़ की गड़बड़ी संचार की प्रक्रिया में शोर का अवरोध होते थे। एज ऑफ राइटिंग, अब लेखन का युग आ गया, मतलब जब राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, लोगों लिखने लगे थे लोग, तो उस समय लेखन संचार की बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता था, जैसे जगह और समय। ज्ञान सर्जन के उस चरण में टुकड़ी और आत्म चेतना विकसित हो गई थी, क्योंकि अब लेखक पाठकों के साथ साथ बातचीत का सामना करने के लिए प्रत्यक्ष और समानता के बिना अपने दृष्टिकोण को लिखकर साझा कर सकते थे। जरूरी नहीं था कि भाई व्यक्ति फेस टू फेस होने चाहिए तभी वो नॉलेज का ट्रांसफरेशन होगा। लिख दिया एक चीज में, ठीक है, तो नॉलेज लिख कर भी इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती थी। लेखन ने ज्ञान को अनिश्चित के बजाय नियत कर दिया। जो नॉलेज अनिश्चित थी, टेम्परेरी थी, वो अब थोड़ी सी फिक्स्ड हो गई थी, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप सारे के सारे फैक्ट्स को पढ़ेंगे, हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को देखेंगे। उसके बाद आपका आया प्रिंट युग, यानी कि अब बुक्स वगैरह प्रिंट होने लगी थी, जो ग्रंथ वगैरह होते थे वो प्रिंट होने लगे थे। उसके बाद ज्ञान का जो प्रसार था और प्रभावी तरीके से हो गया। हमने यहाँ पर कोई बुक प्रिंट की, वो अलग दूसरे शहर में चले गए, वहाँ पर और नॉलेज का जो संचार था वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो गया। सूचना का बड़ा प्रसार होने लगा, आसान पहुँच होने लगी, अधिक कवरेज होने लगी, ज्ञान का प्रभावी और आसान भंडारण होने लगा, रिकॉर्ड करने में आसानी होने लगी, समय की, टाइम की बचत होने लगी, मेहनत की बचत होने लगी। अब आप एक बात बताइए, आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, और उस चीज़ को प्रिंट करके एक प्रिंट निकाली और उसकी 10 कॉपी निकाल दी, कितना कम टाइम में, कम मेहनत में आपका ज़्यादा काम हो जाता है। ज्ञान का संगठन हो जाता था, यानी कि हम नॉलेज को कॉन्क्रिटाइजेशन कर सकते थे। प्रतिलेखन त्रुटि में कमी होती थी, लिखने में कमी जो होती थी, एरर जो होती थी, वो बहुत कम होने लगी थी। अब उसके बाद आती है आपकी आइस एज, जो यानी कि मॉडर्न एज जो है, आज के टाइम को हम कहते हैं आइस एज। आइस मतलब आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, ई फॉर एंटरटेनमेंट। प्रेजेंट एज इज नोन एज आइस एज। वेरी शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट जो एज है वो किस एज के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन में आपको दे देंगे प्रिंट एज, ओरल एज, राइटिंग एज या आइस एज। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है वो है आइस एज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स वेरी प्ले इंपॉर्टेंट प्रॉकर डेवलपमेंट। जो आईटी है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट है, सॉरी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, नेट हमारे पास है, अब हम किसी भी समय, किसी भी क्षण, एक
क्लिक पर हम किसी भी कितनी भी दूर की इन्फॉर्मेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी नॉलेज को हम एक क्लिक पे हमें मिल जाती है। हम नेट पे गए, गूगल पे किसी भी पॉइंट के बारे में हमें सर्च किया और हमें उसकी ढेर सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। फौरन की हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमें तुरंत मिल जाएगी। हर इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास एक क्लिक में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये नॉलेज को का डेवलपमेंट हुआ है हर एज से, ओरल एज से लेकर और आईज एज तक इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। इनके आप सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके रिप्लाई करने की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।